Shri Murli Manohar Joshi. Just 1 minute, please. This is over because this is a Friday today. Mm-hmm. Instead of taking the your 0 hour at the end of the day, you may take up 0 hour before the private members' business. Yes, we will take up the 0 hour after the lunch. Yes, Shri Murli Manohar Joshi. अध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो कुछ चर्चा अभी हुई उसे मैंने बहुत ध्यान से सुना, उनके भाषण को भी बहुत ध्यान से पढ़ा। उसमें उन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं जिनकी विस्तार पूर्वक चर्चा बहुत से विषयों पर हो चुकी है और शायद बहुतों पर बजट के समय की जा सकेगी, लेकिन कुछ ख़ास बातें जो उन्होंने अपने कई अभिभाषणों में कही हैं उसमें से एक जो उन्होंने अपने जुलाई 2009 के भाषण में भी कही थी, जून 2009 के भाषण में भी कही थी, वो ये है कि मेरी सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नामक एक नया कानून बनाने का प्रस्ताव करती है जो एक ऐसे ढांचे के लिए सांविधिक आधार मुहैया कराएगा जिसमें सभी के लिए खाद्य सुरक्षा का आश्वासन है। अभी दोबारा भी उन्होंने इस बात को फिर से दोहराया है और कहा है कि इन द लॉन्गर टर्म आवर फूड सिक्योरिटी कैन बी एंश्योर्ड ओनली थ्रू सस्टेन एफर्ट्स एंड माई गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टू ब्रिंगिंग फोर्थ लेजिस्लेशन टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। और ये भी कहा है कि माई गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू अकॉर्ड द हाइस्ट इम्पॉर्टेंस टू इंश्योरिंग रिलीफ टू द आम आदमी ऑन फूड प्राइसेस। हमारे वित्त मंत्री महोदय ने भी अपने भाषण में कौटिल्य का उद्धरण देते हुए कहा कि इस प्रकार एक बुद्धिमान महासमाहर्ता राजस्व संग्रहण का कार्य इस प्रकार करेगा कि उत्पादन और उपभोग अनिष्ट रूप से प्रभावित न हो, लोक संपन्नता, प्रचुर कृषि उत्पादकता और अन्य बातों के साथ वाणिज्यिक समृद्धि पर वित्तीय संपन्नता निर्भर करती है। इसका अर्थ यह है कि पिछले और इससे पहले बजट में भी इसी प्रकार की बातें कही गई। तो खाद्य सुरक्षा ये इस महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषणों का सारांश मैंने आपके सामने रखा। खाद्यान्नों के मूल्यों पर नियंत्रण रखने की बात भी कही जा रही है और ये घोषणाएं की जा रही हैं कि ये बहुत जल्दी नियंत्रित हो जाएगी, लेकिन आज भी समाचार पत्रों में है कि 18% की दर से खाद्यान्नों के मूल्य बढ़े हैं और ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो महामहिम राष्ट्रपति जी जो कह रहे हैं, जो आपको संकेत दे रहे हैं, सरकार की नीतियों के बारे में बराबर कह रहे हैं, उनका अनुपालन मैं समझता हूँ ये सरकार करने में असमर्थ रही है। अब ज़रा देखें कि ये जो खाद्य सुरक्षा की बात कही जा रही है इसके निहितार्थ क्या हैं। बहुत पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक वाक्य कहा था, एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। सब चीज़ रुक सकती है लेकिन कृषि नहीं रुक सकती। लेकिन मुझे देख के अफसोस हुआ कि आजकल जो हमारी सरकार की तरफ से अमेरिका के साथ बातें हो रही हैं हमारी खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए, वहाँ का क्या रुख है। तो अर्ल बुड्स, ए फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ऑफ यूएसए, उनका बयान था, फूड इज ए वेपन, इट इज नाउ वन ऑफ द प्रिंसिपल टूल्स इन अवर निगोशिएटिंग किट। वो अनाज को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं और कर रहे हैं। जिन देशों में हथियार अनाज कम होता है उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं और उनकी आर्थिक नीतियों को, राजनीतिक नीतियों को प्रभावित करते जा रहे हैं। इसलिए खाद्य सुरक्षा ये बहुत आवश्यक चीज़ है, यानी खाद्य के मामले में हमें पूरे तौर पर आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है। लेकिन हो क्या रहा है, मैंने बजट के भी कुछ इस मामले में जो प्रावधान थे उनको देखा। मैं ज़्यादा की चर्चा नहीं करूँगा लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ आपको ध्यान दिलाऊँगा। ये कहा जाता है कि कृषि के लिए हमें बहुत कुछ करना है और किसानों के लिए हमने इतना दे दिया, किसानों के लिए हम ये कर रहे हैं,
लेकिन ज़रा उसकी गहराई में जाइए, जो ऋण की और किसानों को सहायता देने की नीति है, ज़रा उसके पेच को समझिए। पहली बात उन्होंने कही है मिस्टर मुखर्जी ने, फोर प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटेजी फॉर एग्रीकल्चर, द फर्स्ट ऑफ दीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कुड मीन एनीथिंग फॉर एनीबॉडी, द अदर थ्री आर गोल्ड माइन फॉर लार्ज कॉरपोरेशंस बट नॉट फॉर द फार्मर। जो कुछ और किया जा रहा है वो बड़े पूंजीपति बड़े उद्योगपति के लिए है, छोटे किसान के लिए नहीं। अब आप ज़रा देखें कि एक नीति बनाई गई है रिडक्शन इन वेस्टेज ऑफ प्रोड्यूस, और ये कहा गया है कि इसमें हम उन सारी चीज़ों को ऋण देंगे जो इस वेस्टेज को रोकेंगे, यानी कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे इत्यादि इत्यादि इस तरह की बातें करेंगे। ज़रा देखें इसमें कहा गया है कि 25 करोड़ तक के रुपए एग्रीकल्चरल क्रेडिट को दिए जाएंगे। 25 करोड़ के ऋण लेने वाले कितने किसान हैं, मैं कृषि मंत्री जी से भी पूछूंगा और वित्त मंत्री जी से भी कहूंगा कि ज़रा इसका हिसाब दें कि 25 करोड़ रुपए के ऋण कितने किसानों ने लिए जो वास्तविक खेती करते हैं। छोटे किसान को 25,000 लेना मुश्किल है, ये 25 करोड़ किसको मिल रहे हैं? एग्रीकल्चर लोन के नाम पे किसी भी उद्योगपति को मिल सकते हैं, जो कहेगा कि मैं कोल्ड स्टोरेज बना रहा हूँ, जो कहेगा कि मैं एक शीत यातायात बना रहा हूँ, रेफ्रिजरेटेड यातायात बना रहा हूँ, उस कंपनी को ये 25 करोड़ रुपए के ऋण मिल जाएंगे और एग्रीकल्चर लोन और उन टर्म्स पर मिलेंगे जो किसान के नाम पर दिए जाएंगे। जी वो ऋण देना पड़ता है, और ये यहाँ 25 करोड़ लीजिए तो शायद उसको कमीशन इस बात के लिए दिया जाएगा कि आप 25 करोड़ ले लीजिए। ये क्या, ये किस तरह का, ये कैसी खाद्य सुरक्षा की बात है, ये किस किसान के लिए आप बात कर रहे हैं? अब आप आगे देखिए कि जो किसान है उसको कहा गया है कि आप बाहर से भी खेती के लिए ऋण ला सकते हैं। कौन लाएगा? केवल बड़े कॉरपोरेशन लाएगा, छोटा किसान तो नहीं ला सकता। तो ये कौन सा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए खाद्य सुरक्षा को ठीक रखने के लिए आपको आपने नीतियाँ बनाई हैं? अब आप ये देखें कि जो किसानों को कर्ज़े दिए गए हैं एज एग्रीकल्चरल क्रेडिट, और 10 करोड़ से ज़्यादा हैं और 25 करोड़ से ज़्यादा हैं, वो 25 करोड़ तक हैं, वो किसके पास हैं, उनकी भी ज़रा हम एक सूची चाहेंगे कि वो सदन के सामने आ जाए तो पता लगेगा। कि एक और इसमें तमाशा हुआ है कि पिछले सालों में 25,000 रुपया ऋण लेने वाले किसानों की तादाद घटी है और 10 करोड़ से 25 करोड़ तक लेने वाले एग्रीकल्चरल लोनर्स की तादाद बढ़ी है। मैं नहीं समझता कि ऐसे ये किस तरफ इससे कृषि उत्पादकता बढ़ेगी, इससे किस प्रकार से आप खेती को आगे ले जा सकेंगे। फिर आप ये देखिए, आप बहुत इस बारे में कहते हैं बार बार कि हमने 70,000 करोड़ रुपया किसानों को दे दिया, एक बार दे दिया आपने वन टाइम लोन, लेकिन आप बड़े कॉरपोरेशंस को कितना माफ़ करते हैं? अगर आप देखें कभी 80,000 करोड़, कभी 60,000 करोड़, कभी 70,000 करोड़ हर साल दिए जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ज़रा अगर प्रधानमंत्री अथवा वित्त मंत्री सदन को ये अवगत कराएं कि पिछले 5 सालों में कितने ऐसे हर वर्ष बड़े कॉरपोरेशंस को लोन माफ़ किए गए हैं या रिलीफ दिया गया है, चाहे वो टैक्स के द्वारा, एक्साइज के द्वारा या अन्य किसी द्वारा। और अगर वो 60,000, 70,000, 80,000 करोड़ आप हर साल उनको दे रहे हैं और एक बार आपने किसान को 70,000 दे दिया, और वो भी किसान को नहीं दिया, किसान के नाम पर बैंकों को दे दिया, मैं नहीं समझता कि उससे कोई आप किसान का भला कर रहे हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि आप कैसे इस काम को कर रहे हैं। अभी भी हालत ये है कि किसान आत्महत्या कर रहा है और 50 तो अभी हंगर किल्स किसानों ने अभी 2-4 दिन पहले की खबर है उड़ीसा में की, लेकिन पिछले सालों के जो आंकड़े हैं उसमें करीब करीब 1.5 लाख किसानों ने पिछले सालों में आत्महत्याएं की। अब ये अगर आत्महत्या हर साल हो रही है, अभी भी कोई ज़्यादा घट उसमें कमी नहीं आई है, 15,000, 16,000 किसान हर साल आत्महत्या कर रहे हैं, तो ये क्या स्थिति है? किसी राज्य में 3,000, 4,000 कर रहे हैं, और सबसे अधिक अफसोस की बात यह है कि माननीय कृषि मंत्री जी के राज्य में हो रही, वहाँ अभी कमी नहीं आई है। जैसे देश में कमी आई है उसी हिसाब से कमी आई है, लेकिन हत्याएं रुकी नहीं, आत्महत्याएं रुकी नहीं है। तो किसानों की आत्महत्या नहीं रुक रही, हंगर डेथ्स नहीं रुक रही, लोगों का मेल न्यूट्रिशन नहीं रुक रहा। आपको मालूम होना चाहिए कि विश्व के उसमें पटल पर हम इस कुपोषण में अभी बहुत पीछे, हमने उसको पूरा नहीं किया। तो आप क्या करना चाहते, किस तरह से आप इस देश की खाद्य सुरक्षा को संरक्षित करना चाहते हैं?
तो बताया गया हमें कानून बनाना चाहिए। मैं आज खुशी पर बात नहीं कर रहा, वरना मैं आपको बता सकता था कि उत्पादकता के मामले में भी आप क्या कर रहे हैं। आप उत्पादकता नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आप जिन देशों के साथ समझौता कर रहे हैं, उस पर मैं बाद में आऊँगा, उनके यहाँ उत्पादकता बढ़ाने का सवाल नहीं है। वो एग्रीकल्चर को एग्री बिजनेस में बदलते हैं, वो कृषि उत्पादनता आपके देश की बढ़ाने में उनकी रुचि नहीं है। आपके मार्केट्स को लेने में उनकी रुचि है, आपके बीज के व्यापार को लेने में उनकी रुचि है, आपके पेस्टिसाइड्स आपके यहाँ फेंकने में उनकी रुचि है, आपकी उत्पादकता बढ़ाने में उनकी रुचि नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं उनके पास सरप्लस फूड है। आपके यहाँ अगर अनाज कम होगा, आप उनके यहाँ से इम्पोर्ट कर लेंगे, इसलिए वो उस नीति पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि इस तरह से आप कैसे देश की सुरक्षा लाएंगे। कहते हैं हम कानून बना कर लाएंगे। मुझे कभी कभी हंसी आती है कि हमारे सरकार के लोग शायद ये समझते हैं कि अगर मॉल्स में, सुपरमार्केट्स में अच्छे पैकेट्स में रखा हुआ विदेशी अनाज है तो खाद्य सुरक्षा हल हो गई, उत्पादकता बढ़ गई। अनाज की उत्पादकता मॉल्स में नहीं बढ़ती, दुकानों में नहीं बढ़ती है, अनाज की उत्पादकता खेतों में बढ़ती है, खलिहानों में बढ़ती है। उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है, किसान के लिए आपका ध्यान नहीं है। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण से मुझे हैरत होती है कि वो बार बार कह रहे हैं लेकिन आपके कान पे जूं नहीं रंगती, आप उस तरफ कुछ ध्यान नहीं देते। जब तक आपकी नीतियाँ किसान फोकस नहीं होंगी, तब तक आपके देश की ना अर्थव्यवस्था सुधरेगी, ना आपको आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में मदद मिलेगी, आप इस देश का विकास नहीं कर सकेंगे। भूखे पेट का हिंदुस्तान किसी रास्ते पर नहीं चलेगा। पहली ज़रूरत है हिंदुस्तान को हंगर फ्री बनाइए, भूख मुक्त हिंदुस्तान बनाइए, ज़ीरो हंगर की पॉलिसी बनाइए। और मैं आपको बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जब तक आप ये ज़ीरो हंगर की पॉलिसी नहीं बनाएंगे, तब तक ये हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। आप कहते हैं हम कानून बना रहे हैं फूड सिक्योरिटी के लिए। मुझे बड़ी खुशी होती अगर इस कानून से आप ज़ीरो हंगर ले आते, लेकिन पहले ये देखें कि इस देश में भूखे कितने, उसी पर आपके यहाँ एकमत नहीं। आप बिलो पॉवर्टी लाइन की सीमा रेखा को निश्चय आज तक नहीं कर पाए, कोई सरकार नहीं कर पाई। हमने भी कुछ किया था, आप भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर है। इस बात को स्वीकार करना चाहिए। आपने कमेटी बनाई, रिपोर्ट मेरे पास है ऑफ द एक्सपर्ट ग्रुप टू एडवाइज द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन द मेथोडोलॉजी फॉर कंडक्टिंग द बिलो पॉवर्टी लाइन सेंसस फॉर द 11th फाइव ईयर प्लान। इस रिपोर्ट को आप गहराई से पढ़ें, देखें। मैं नहीं समझता कि आप इसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये एक बिल्कुल ज़मीनी स्थिति को हमारे सामने रखती है, और इसलिए इसको गहराई से समझिए। इसमें राजनीति मत करिए, हमने 28% की और आपने 27% की, ये बराए मेहरबानी मत करिए। ये देखिए कि ज़मीन पर कितने लोग गरीबी सीमा के रेखा के नीचे हैं, कौन गरीब है, कौन दरिद्र है। खाली गरीबी नहीं, दरिद्र कौन है, कौन ऐसा है कि जो 2 जून खाना, क्या 1 जून खाना नहीं प्राप्त कर सकता है, वो गरीबी की सीमा के नीचे बहुत दूर तक, बहुत नीचे है। इन सारी बातों को आप देखें तो ये कमेटी कहती है कि फूड सिक्योरिटी इज नीडेड फॉर ऑल एंड नॉट ओनली फॉर दोज हु आर ऑफिशियली बिलो द पॉवर्टी लाइन। भोजन की सुरक्षा सबको मिलनी चाहिए। फिर वो ये कहते हैं दिस इशू इज पर्टिकुलरली रेलेवेंट फॉर कम्बैटिंग फूड रिलेटेड हंगर बिकॉज एज वी विल आर्ग्यू लेटर इन दिस सेक्शन द नंबर ऑफ फूड डेफिसिट पीपल एज एट लीस्ट डबल द नंबर ऑफ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड पीपल इन इंडिया दस देर इज एवरी केस फॉर एनलार्जिंग द कैटेगरी ऑफ दोज एंटाइटल्ड टू चीपर फूड फ्रॉम गवर्नमेंट। और उन्होंने ये संख्या 50% तय की, कम से कम 50%। और इसी कमेटी के कुछ मेंबर्स ने कहा है कि ये 50% क्यों, अगर सही आंकड़े लाए जाते हैं तो सारी स्थिति को देखकर ये शायद संख्या 70% तक जाएगी, 75% तक जाएगी। 50% ही पर क्यों, क्योंकि जो मैंने भी इसको देखा है, इसमें एक भावना उनके दिमाग में भी काम कर रही थी कि भाई सरकार के लिए कुछ ज़्यादा कठिनाइयाँ पैदा ना हो। सरकार का सवाल नहीं, सारे देश का सवाल है, आपके लिए हो या हमारे लिए हो। अगर 80% इस देश के अंदर गरीब हैं तो इस सदन का कोई सदस्य ऐसा नहीं होगा कि जो 80% के लिए इंतजाम करने के वास्ते सरकार के सामने आगे न आए। वो चाहे बिहार में हमारी NDA की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश में BJP की सरकार हो, गुजरात में सरकार हो, पंजाब में सरकार हो, जहाँ कहीं होगी, अगर 80% लोगों के लिए इंतजाम करना है तो करना है। इस देश के किसी आदमी को भूखे नहीं रहने देना है, हम इसमें साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप इसका रास्ता अमेरिका के साथ समझौता करके निकालना चाहते हैं,
अगर आप इसके लिए बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स देकर करना चाहते हैं, उस पर बहस होगी, उस पर देश में तीव्र मतभेद होगा। आप जमीन की देश की अर्थव्यवस्था को, कृषि व्यवस्था को देखिए। मुझे हैरत होती है कि कालाहांडी हमेशा कहा जाता है कि वो भूग्रस्त क्षेत्र है, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि कालाहांडी से हजारों टन धान संग्रहित भी होता है और वहाँ सबसे ज़्यादा भूख भी होती है। जी वो तो अलग बात है, पहले आपको समझा लूँ फिर उनको समझा लूँ। स्थान ग्रहण करिए, प्लीज एड्रेस द चेयर। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस तरफ आप जरा ध्यान दें इसके बारे में और इस रिपोर्ट को गहराई से देखें। आपने एक दूसरी रिपोर्ट भी बनाई चलाई की, वो हमारे तेंदुलकर साहब की है, उन्होंने आपको कुछ मानदंड दिए, अब जरा उसको ज़मीन के साथ जोड़िए, उसको कीमतों के साथ जोड़िए, उसको लोगों की बदहाली के साथ जोड़िए और पहले बराए मेहरबानी गरीबी की परिभाषा ठीक कीजिए। और आज हालत यह है कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के बहुत से देशों में आज ये अनाज की समस्या है, खाने की समस्या है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ ये समस्या कितनी विकराल थी और उन लोगों ने क्या किया। देखिए ब्राज़ील में 2003 में वहाँ के प्रेसिडेंट ने ये कहा कि हम हर एक को खाना खिलाएंगे और हर एक आदमी को 3 बार का खाना खिलाएंगे, खाली एक बार का ही नहीं। और 46 मिलियन 4 करोड़ 60 आदमियों को उन्होंने ये खाना खिलाया और उसके लिए $12 बिलियन 2005 में वो खर्च कर रहे थे 4 करोड़ आदमियों को सिर्फ खाना खिलाने के। फिर इजिप्ट ने ये काम किया और वो $2 बिलियन अपने यहाँ खाना खिलाने के लिए खर्च कर रहे थे, छोटे देश हैं जनसंख्या के हिसाब से। फिर मेक्सिको ने ये काम किया, उनका था प्रोग्रेसा अपॉर्चुनिडेड्स ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1997 से शुरू किया और वो 40 लाख आदमियों को, 40 लाख घरों को $1 बिलियन हर साल खर्च करके खाना खिलाया। इसी तरह से अमेरिका में भी, वहाँ 31.6 मिलियन आदमी यानी हर अमेरिकन में से 10 में से एक वो फूड स्टैम्प प्रोग्राम से लाभान्वित होता है। अगर अमेरिका की हालत है जो दुनिया में सबसे बड़ा फूड सरप्लस देश है, तो हमारी क्या हालत होगी? आप किधर जा रहे हैं? आप इस देश को भूखों का, मेल न्यूट्रिशन का, बीमारों का देश, अशिक्षितों का देश क्यों बनाते जा रहे हैं? पिछले साल 1.5 करोड़ आदमी इस देश के अंदर गरीबी की सीमा रेखा के नीचे चला गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हर साल अगर गरीबी बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी, तो किस आधार पर हमारे महामहिम राष्ट्रपति ने यह कहा है कि हम आगे आने वाले समय में इस देश को विश्व की महानतम समिति में खड़ा करेंगे? कैसे खड़ा करेंगे? आप कमिटेड हैं 2015 तक भूख को आधा करने के लिए। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता कि आप 2015 तक 5 साल के अंदर इस देश में भूख को आधा कर सकें। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर ये काम किया जाए और उसके लिए अगर कोई रोड मैप होगा तो शायद सारा सदन आपकी सहायता करेगा, मदद करेगा, मगर मुझे इसमें नज़र नहीं आता। कभी इस पर चर्चा होगी तो हम आपको रास्ते बता सकते हैं, दिशा दे सकते हैं, लेकिन भगवान के वास्ते ये अमेरिका से जो आप समझौता कर रहे हैं, जो आपकी कैबिनेट ने जिसको मंजूरी दी है, जो आपने अभी तक सदन के सामने नहीं रखा है, उसको, उसका पुनरीक्षण करें और हिंदुस्तान के किसान को अमेरिकन किसान का पिछलग्गू ना बनाएं। हम 8000 साल से इस देश में खेती कर रहे हैं, वो 300 साल से खेती करना जानते हैं। हमारी बायोडाइवर्सिटी को, जैव विविधता को नष्ट न करें। हजारों जातियां हमारे यहाँ धान की थीं, उसमें से ख़त्म हो गई हैं बहुत सी। हमारे फूल और पत्ते ख़त्म हो रहे हैं, हमारी जड़ी बूटियाँ ख़त्म हो रही हैं। उसमें आप बराए मेहरबानी हिंदुस्तान के किसान को, आम आदमी को साथ मिलें। ये अमेरिकन वैज्ञानिक हमारे देश के लिए उपयोगी नहीं है, नहीं है। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, विज्ञान को थोड़ा बहुत समझता हूँ और जितना मैं अमेरिकन्स को समझता हूँ, उनकी ये सारी वैज्ञानिक जो उनकी दुर्नीति है उसको समझता हूँ। मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपको चेतावनी दे रहा हूँ महामहिम के आपके माध्यम से सभापति महोदय, कि इस देश की खेती को अगर आपने अमेरिका का गुलाम किया
तो आप इस देश की आज़ादी को नहीं बचा सकेंगे, आप इस देश को पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, क्योंकि ये भूखे रंगों का देश बन जाएगा। इसके लिए मुझे आपसे बहुत स्पष्ट रूप में कहना पड़ता है, प्रधानमंत्री जी आज आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन मुझे अफसोस होगा किसी दिन आप रोएंगे कि आपकी नीतियों ने इस देश को यहाँ पर पहुँचा दिया, इस देश को रोना होगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, इस देश की खेती को, इसकी परंपरा को स्वाधीन रहने दीजिए, इसके किसानों को काम करने दीजिए, इसको अमेरिका के हाथ में गिरवी मत रखिए। फिर आप उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, वो देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए, वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा। ये खाने के बाद अगर कोई चीज़ ज़रूरी है तो वो सुरक्षा है, उसका क्या हाल है? इस देश में बहुत वर्षों से इस संसद में डिफेंस के बारे में चर्चा नहीं हो पाई, कभी करिए उसको, क्या हालात हैं? आज भी अखबारों में हमने पढ़ा कि घुसपैठ कश्मीर में हुई है, हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं कि सिक्योरिटी में ज़रूर ढील आई है, गिरावट आई है, क्या बात है? देश का व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित क्यों महसूस कर रहा है? बाहर से आक्रमण जो होने की संभावना रहती है, उससे हम क्या करें? हम जैसे खेती को अमेरिका के साथ लगा रहे हैं, वैसे ही शायद समझते हैं कि वो मौके आने पर अपना न्यूक्लियर ट्रिगर हमारे लिए छोड़ देगा, हमें बचा देगा। मान लीजिए नहीं होगा, आप केवल आपकी जो प्रतिरक्षा की सामग्री बन रही है वो बड़ी विचित्र है, वो केवल पाकिस्तान ओरिएंटेड है, लेकिन खतरे और तरफ से भी, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये भारत सिकुड़ रहा है, जो तिब्बत हमारा बॉर्डर था उसको आज आपने हिमालय के फुटहिल्स में ला दिया है। नेपाल जो कभी हमारा एक बहुत प्रमुख समर्थक होता था, उसे आज आपने असहाय बना दिया। एक तरफ से चीन पाकिस्तान के रास्ते से ग्वाडार तक पहुंचा हुआ है, बंगाल की खाड़ी में पहुंचा हुआ है, सारे दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के देश आज चीन की गोद में जा रहे हैं। चीन आज इस सारे क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बनाने के लिए जा रहा है। आपकी सामरिक शक्ति और आर्थिक शक्ति अभी चीन से बहुत पीछे है, जो स्थितियां हैं उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। हम किस आधार पर विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं? हम तो क्षेत्रीय महाशक्ति भी नहीं रह रहे हैं आज, मुझे अफसोस है इस बात का, जहां हम थे वहां से बहुत पीछे चले गए। 1947, 1948, 1949 में जो हमारी स्थितियां थी वो आज बहुत नीचे चली गई। सवाल महोदया, बहुत महत्वपूर्ण बात जी, समय समाप्त हो गया है, समय समाप्त हो गया। आप मुझे बताएं, चीन ने जिस तरह की कोशिशें की हैं, हिंदुस्तान को 20-30 टुकड़ों में बांटने की कोशिशें की हैं, सारे हथियार उसने इस तरह से समायोजित किए हैं, अरुणाचल के ऊपर अपना कब्जा बनाना चाहता है, सिक्किम में मांग कर रहा है, अक्साइचिन कब्जे में लिए बैठा है, और जब अक्साइचिन की बात आती है तो कश्मीर भी मुझे याद आ जाता है। श्रीमान अडवाणी जी ने इस सवाल को उठाया था, मैं चाहता हूं कि वो सवाल सही परिप्रेक्ष्य में सदन के सामने बना रहे। हम सदन का प्रस्ताव था कि कश्मीर हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस मामले में सदन को आश्वस्त करें। श्रीमान अडवाणी जी ने यही सवाल उठाया, अगर आप इस मामले को दोहरा कर कहते हैं, कृपा करके सुनिए, कश्मीर इन्हीं बातों से संदेह पैदा होता है कि आप कश्मीर के मामले में कुछ ढील कर रहे हैं। आप इस मामले में बेबाक होकर कहिए, अब्दुल्ला साहब बैठे हुए, फारूक साहब, ये प्रस्ताव पास हुआ था इसी सदन में, ये जी हम हैं, हम तो कह रहे हैं, हम तो इसको मांग ही कर रहे हैं कि इसको यहाँ दोबारा दोहराएं, आप प्रस्ताव रखें प्रधानमंत्री दोबारा, हम उसका समर्थन करेंगे। हाँ, और ये हमारे शरद पवार दोहराए उसको, हम दोहराना चाहते हैं, इसको देश को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप बैठ जाइए, कृपा करके बैठ जाइए।
आप क्यों खड़े हो गए? बैठिए, केवल दो बात, बैठ जाइए। अब मुरली मनोहर जोशी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, अब आप जल्दी से समाप्त कर दीजिए। इट्स टाइम टू कंक्लूड, इट्स टाइम टू कंक्लूड। दो बात और कहना चाहता हूँ। आप बैठिए, अगर चौका टाकी ना हो तो बात जल्दी खत्म हो जाएगी। आप जल्दी समाप्त करिए, तुरंत समाप्त करिए। आई विल गिव यू 1 मिनट। जोशी जी टुक माय नेम। आई वुड लाइक टू रिस्पोंड टू जोशी जी। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, हिंदुस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी। यही बात प्रधानमंत्री से सुनना चाहता हूँ। कश्मीर भारत का अंगा है और रहेगा। प्रधानमंत्री कहें या न कहें, प्लीज एड्रेस द चेयर। सुनिए, मैं आपसे कहना, प्लीज एड्रेस द चेयर। मुझे याद आता है आपके ही लीडर वाजपेयी जी, उन्होंने भी यही कहा था, कभी ये मत समझिए कि देश इतना कमजोर है कि कोई भी हम पे हमें खा सकता है, वो अमेरिका हो या चीन हो या कोई और मुल्क हो। चीन कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान का वो भूखा भी जो है वो भी कुल्हाड़ी उठा के मुल्क की सेवा के लिए निकल रहा है। मुलायम सिंह जी, ये क्या हो रहा है? ये आपसे नहीं। ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर, टेक योर सीट। मुलायम सिंह जी, प्लीज टेक योर सीट। मुलायम सिंह जी, बैठ जाइए, बैठ जाइए। और मुरली मनोहर जोशी जी, अब आप समाप्त करिए, प्लीज कंक्लूड। दो बातें, प्लीज कंक्लूड। एक बात तो ये कि मैंने जो प्रस्तावक महोदय का भाषण सुना था, लगभग उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिस पर कोई टिप्पणी की जाए, लेकिन एक वाक्य ऐसा था जो उन्होंने श्री लालू प्रसाद जी को संबोधित करते हुए कहा कि हम आपसे हिंदी में तब बात करेंगे जब आप और हम वृंदावन में गाय चराने जाएंगे। बताइए, अब इसका क्या मतलब है? ये बहुत बहुत गहरी बात इसके अंदर चोट है, बहुत गहरी बात कही गई है इसमें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके दो पक्ष हैं। वो वृंदावन में गाय चराने तो तब जाएंगे जब गाय इस देश में बचेगी। जिस रफ्तार से गायों का वध हो रहा है, मुझे शक है कि उनके पास उन्हें गाय के बजाय किसी और जानवर को चराने के लिए कहीं जाना पड़ेगा। और भाषा, जिस भाषा की बात की है, वो शायद इस पक्षी का जिक्र उन्होंने किया था, वो केवल उसी की भाषा में उससे बात करते रहेंगे। इस सदन को तो जो भाषा लगती है, हिंदी यहाँ की भाषा है, सदन की, भारत की राजभाषा है, संविधान की भाषा है, और इसके लिए गाय चराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए पहले आप अपने दिमाग को चराइए, ठीक रखिए। हिंदी में आपको बात करनी चाहिए, करनी होगी। आप ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन उसको आप चरवाहों के साथ जोड़ रहे हैं जी, भारतीय भाषाओं में करें। और मुझे फख्र है इस बात का कि आपने कहा कि चरवाहों से आप हिंदी में बात करेंगे। आप इधर देखकर बात करिए, आपस में ये क्यों कर रहे हैं? मुरली मनोहर जोशी जी, हम इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप हिंदी के प्रति इस प्रकार के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करें। आप प्लीज एड्रेस द चेयर, प्लीज एड्रेस द चेयर। अंतिम बात कहना चाहते हैं, एंड इट इज टाइम, योर टाइम इज अप। अंतिम, जब कंक्लूड कर रहा हूं, अंतिम बात, जब प्रस्तावक महोदय के बाद समर्थक ने भाषण किया, मुझे उस भाषण के बारे में उनको बधाई देनी है, लेकिन उन्होंने एक सवाल बहुत गहरा उठाया, पहचान। मगर वो पहचान जिस तरह से उन्होंने यूनिक आइडेंटिटी कार्ड से जोड़ी, वो ज़रा कुछ हल्की हो गई। क्या? क्योंकि आप इस देश की पहचान एक नंबर से देना चाहते हैं, यूनिक आइडेंटिटी नंबर। इस देश के आदमियों को आप नंबर बनाना चाहते हैं। अरे, ये बुद्ध का देश है, ये महावीर का देश है, ये गांधी का देश है, ये सूफी संतों का देश है, और राम और कृष्ण का देश है। इसकी पहचान नंबर से नहीं होती। बराए मेहरबानी, आप इस देश को नंबर में मत बदलिए, इसको इंसान रहने दीजिए। इसकी इंसानियत की पहचान रखिए, इसकी परंपरा की पहचान रखिए, इसकी संस्कृति की पहचान रखिए। ये ध्यान दीजिए कि भारत की भारतीयता की पहचान देना, और आप क्या दे रहे हैं पहचान? कि आप गरीब हैं। आप गरीबों को, आप इस देश में गरीबों की पहचान दे रहे हैं। आप क्यों खड़े हो गए? पहचान देना चाहते हैं। आप क्या बात देना चाहते हैं? आप गौरवशाली पहचान देना चाहते हैं। भारत की पहचान दुनिया में महान संस्कृति की परंपरा के वाहक के तौर पर रहेगी। नंबर नहीं है,
और ये आपको देश को नंबर में बदलने की जो आपकी नीतियां हैं इसे देश को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और राय मेहरबानी देश को सही पहचान देने का काम कीजिए, भगवान आपको ऐसी शक्ति दे बुद्धि दे कि आप इस देश को समझें, इसकी सही पहचान को समझें, परंपराओं को समझें, संस्कृति को समझें, इतिहास को समझें, तब जाकर इस देश की नीतियां भी आप ठीक बना सकेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।